At the throat of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सके। एक एक खून का खतरा जितना मेरा है तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष, अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं टिकेगा। जम बनाने की दौड़ में हम नहीं पड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने इस इरादे पर कायम रहा और बम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा तो मुझको मेरे साथियों इस सारे प्रश्न पर शायद पुनः विचार करना। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। आजाद मुल्क भारत का सपना साकार हो रहा था, नियति के साथ साक्षात्कार हो रहा था। भारत की संसद गांधी के आदर्शों पर एक बड़े लोकतंत्र के तौर पर संवरने की शुरुआत कर चुकी थी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1951, संसद एक आकार ले रही थी और लोकतंत्र समृद्ध हो रहा था। देश के बंटवारे और जंग के बीच भारतीय संसद लगातार भारत को सशक्त करने की तरफ बढ़ रही थी। साल 1965, भारत की सरहद पर एक और जंग दस्तक दे चुकी थी। तब संसद से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की वो ललकार दुनिया ने सुनी थी। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। साल 1971, भारत का वो दौर अभी आना बाकी था जब मजबूती से खड़ी होती संसद ने महाशक्तियों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। कोई एक देश के देश को, एक कौम की कौम को खत्म कर दे, ये अंदरूनी मामला नहीं हो सकता है। और कैसे भारत खड़ा होकर देख सके कि हमारे पड़ोसी देश में इस तरह से लाखों की संख्या में लोग जान से मारे जा रहे हैं। और जहाँ भी मैं गई कई देशों में, वहाँ इस बात को मैंने बहुत खुली तौर से कहा। कुछ लोग कहते हैं कि जो बात मैंने कही, जो कही थी, उस पर मैं खड़ी नहीं रही। बाहर वाले शायद हमको नहीं पहचानते। 1975, अपने राजनीतिक कौशल से भारत दुनिया में अपना वजूद कायम कर रहा था, लेकिन राजनीति में भूचाल ने देश को वो वक्त दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। साल 1979, भारत एक बार फिर काले दौर को भुलाकर अपने रास्ते पर निकल पड़ा। इस बार संसद में किसान का बेटा देश की जनता की आवाज बनकर पहुंचा। हरिजन लो, आदिवासी लो, भूमिहीन लो, बेरोजगार लो या जिनके पास कम रोजगार, और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल एक हेक्टर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। साल 1999, साल दर साल भारत सफलता के कदम चढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। जंग छिड़ी, नरसंहार हुआ,
सैनिकों ने बलिदान दिया, लेकिन भारत की संसद और सेना ने इस बार शौर्य की वो दास्तां बयां की जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। इस बार जब हमने देखा कि आक्रमणकारी हमारी भूमि में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वायुसेना को मैदान में उतारने में हमने कोई संकोच नहीं किया। हमने निश्चय किया कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे, और आपने देखा कि सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी। 13 दिसंबर 2001, भारत की संसद लगातार ताकतवर राष्ट्र की नींव को मजबूत कर रही थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर हुए आतंकी हमले के बाद भी संसद पर्वत की तरह अडिग रही, और सियासत के शिखर पुरुष ने अटल चेतावनी दे डाली। संसद भवन पर लगे हुए गोलियों के दाग, संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनका पाकिस्तानी होने का सत्य, ये अपने में सबूत है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सर्वप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे, और हम आशा करते हैं विश्व के जितने सजग राष्ट्र हैं उनका हमें समर्थन मिलेगा। 18 सितंबर 2016, भारत अपने शौर्य से भरे इतिहास के बल पर ताकतवर बनता गया, और 21वीं सदी के भारत ने देश के वीर जवानों पर हुए कायरतापूर्ण हमले का माकूल जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक आतंकी हमले में हमारे देश के 18 वीर सपूतों को हमने खो दिया, और जो मैंने उसी दिन कहा था, मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। गौरव और शौर्य से भरे भारतीय इतिहास की संसद हमेशा गवाह बनी है, और आज संसद एक नए दिव्य और भव्य स्वरूप में भारत का भविष्य गढ़ने के लिए तैयार है। संसद क्रांति की प्रतिमा है, संसद देश की गरिमा है, संसद देश की अस्मिता है। कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है।